राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सभी आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम। केस में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 दिसंबर 2023 को राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। नितिन फौजी और रोहित, ये वो दो आरोपी हैं जिन्होंने फायरिंग करके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी के साथ नवीन शेखावत जो वहां पर मौजूद थे, जिनके माध्यम से ये दोनों आरोपी घर के अंदर एंटर हुए थे, उसकी भी मौत हो गई थी। वहीं बाद में कुछ दिनों के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सुरक्षाकर्मी की, उनके सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई थी। तो इस मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में। उन्हें मिलाकर 2 अन्य लोग भी आप देखिए कि मारे गए। और अब इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले तो आरोपियों की गिरफ्तारी चंडीगढ़ से हुई, उसके बाद पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया था, एक आरोपी को 8 दिन की रिमांड पर लिया था। और इन सभी आरोपियों से पूछताछ के बीच ही एनआईए को पूरा का पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया। और इसी बीच अब एनआईए कोर्ट में पेशी होगी इन सभी आरोपियों की, और एनआईए की टीम कोर्ट लेकर पहुंचेगी। मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए हैं, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, अभी तक जयपुर पुलिस ने जितनी भी जांच की है, आरोपियों को पकड़ना हो, उनसे पूछताछ हो, क्या वो भी आने वाले भविष्य में मदद कर सकता है एनआईए की टीम को? क्योंकि दिनेश एमएन की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और जो सवाल जवाब हुए उससे इस पूरे हत्याकांड के जितने मास्टरमाइंड है उन्हें पकड़ना अब एनआईए के लिए भी आसान होगा। जी हार्दिक, वाकई देखिए, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ और उसमें जयपुर पुलिस ने और जो एसआईटी गठित की गई थी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में, उन लोगों ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और एनआईए द्वारा ये जो केस है वो टेक ओवर कर लिया गया था, और इसमें अब जांच जो है एनआईए कर रही है। इस पूरे मामले में जो इस पूरे घटनाक्रम के जो मास्टरमाइंड है वो फिलहाल अभी गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि विदेश में बताए जा रहे हैं। और उनको गिरफ्तार करने और जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको भारत में लाने की जो कोशिश है वो एनआईए कर रही है इंटरपोल के साथ मिलकर। और मैं बताना चाहूंगा, जो सभी 8 आरोपी जो इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं उनको आज कड़ी सुरक्षा के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरे मामले की जांच एनआईए के द्वारा की जा रही है। तो सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके एनआईए आगे रिमांड ले सकती है। और जो एनआईए कोर्ट है उसको पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो सूचना है वो ये आ रही है कि 11 बजे के करीब इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में एनआईए की ओर से पेश किया जाएगा। और अब तक की जो भी पूछताछ रही है और जो भी चीजें इस केस में सामने आई है उसको कोर्ट के सामने रखकर एनआईए आगे की कार्रवाई के लिए इसमें कोर्ट से रिमांड जो तमाम 8 आरोपी है उनकी मांग सकती है। जी हार्दिक, ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगर मामले में कोई और अपडेट हो तो जरूर साझा कीजिएगा।